नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8 चा मराठी हा विषय आणि त्याच्यामध्ये बघत आहे आपण पहिली भाग आहे आपला कांदामुळा भाजी। त्याचे कवी आहे संत सावता माळी। ओके, याच्यानंतरचे जे व्हिडिओ मी दिले तुम्हाला दोन, त्याच्यामध्ये सुद्धा सावता माळीबद्दल मी सांगितलेलं आहे, याच्यामध्ये सुद्धा थोडक्यात थोडंसं सांगते मी। ओके, आणि त्यानंतर आपण जे आता म्हणजे आतापर्यंत जे पोएम घेतली आहे त्या पोएमचं सुद्धा मी तुम्हाला थोडंसं एक्सप्लेन म्हटलं रिकॉल करते आणि रिवाइज करते एक वेळा। तर सावता माळीचं माहिती आहे तुम्हाला की सावता माळीचा जन्म कुठं झाला? अरण या गावात झाला आणि त्यांचा ते सोलापूर डिस्ट्रिक्टला झाला त्यांचा जन्म। त्यांचा जन्म कधी झाला? 1250 झाला आणि मृत्यू झाला 1295 झाला। ओके, सावता माळी हा काय झाला? सावता माळी कोणाचे मुलं होते? त्यांचे जे आजोबा होते, सावता माळींचे जे आजोबा होते दयू माळी, हे कोण होते? हे यांना दोन मुलं झाले, दयू माळीला दोन मुलं झाले। हे वारकरी संप्रदायाचे होते। याच्या आधी वारकरी संप्रदाय सुद्धा मी तुम्हाला समजावून सांगितला, वारकरी संप्रदाय कशाला म्हणतात, वारकरी संप्रदाय म्हणजे काय, हे सर्व समजावून सांगितलं। परंतु आता थोडीफार कल्पना देते मी तुम्हाला की दयू महाराज सॉरी दयू माळी हे जे त्यांचे आजोबा होते, त्या आजोबांना काय झाले? दोन मुलं झाले, एक डोंगरोबा आणि दुसरा पुरुषोबा। त्या पुरुषोबाचं डोंगरोबा धार्मिक याला स्थान हे नव्हता देत, परंतु पुरुषोबा असे होते की धार्मिक तत्वावर चालत होते, म्हणजे धार्मिक याच्यामध्ये त्यांची ओढ होती आणि त्यांना ते काय होते, मूळचे शेतकरीच होते, कारण शेतकरी होते ते सर्वजण। आणि पुरुषोबांचं लग्न त्यांच्याच म्हणजे एरियातल्या मुलीशी झालं होतं। त्यांच्या वडिलांचं नाव होतं सोंतमाळी, सदू माळीच्या मुलीशी झालं होतं आणि त्यांना जे नवीन दाम्पत्य झालं त्या दाम्पत्याचं नाव काय होतं? सावता माळी। आणि सावता म्हणजे सावता माळीच्या वडिलांचं नाव काय? पुरुषोबा आणि पुरुषोबा होते। ओके, आणि त्याच्या ते आपलं म्हणजे ते काय करायचे, शेतकरी असल्याच्याने ते सर्व काम करायचे, पण काम करता करताच हरिनाम घ्यायचे, म्हणजेच विठ्ठलाचं नामस्मरण करायचे। त्यांचं आराध्य दैवत हे विठ्ठलच होतं आणि त्यांना त्याच्यामुळे काय होतं, ते जे शेतीतले जेवढं काही पिकं आहेत, म्हणजे माळा म्हटलं ना त्यांनी, शेतीतले जेवढं काही पिकं आहेत त्यांना काय म्हटलं, त्यांना ते सर्व काय म्हणत होते, ते कधी त्यांना हरी दिसत होता, कधी त्यांना श्रीकृष्ण दिसत होता, कधी त्यांना गोपाळ दिसत होता, असं त्यांनी तिथे त्यांना संबोधलंय। म्हणजे त्या जे शेतातील पिकांना ते काय समजत होते की हे सर्व जे पिकं आहे हे सर्व माझं काय आहे, इथे सर्व स्तरावर कणाकणात काय बसलेला आहे, विठोबा बसलेला, असं त्यांचं मत होतं। ओके, एवढं समजलं? ओके, हां, अभी मैं हिंदी में बताती हूँ आपको कि सावता माळी जो थे, सावता माळी का जन्म कब हुआ था? सावता माळी का जन्म कहाँ हुआ है? अरन गांव में हुआ था, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। उनका जन्म हुआ है 1250 में और उनका मृत्यु हुआ है 1295 में। ओके, उनके जो पापा का नाम था पुरुषोबा था, उन पुरुषोबा के ही वो पुत्र है सावता माळी। उनके दादाजी का नाम था दयू माळी। वो क्या थे, वारकरी संप्रदाय में उनको दिलचस्पी थी, यानी वो वारकरी संप्रदाय के ही मानते थे, यानी उनका जो आराध्य दैवत है वो आराध्य दैवत था विठोबा था। ओके, पंडरपुर के विठोबा। ओके, और उनको आपको पता है, इसके पहले भी मैंने मराठी में बताया, तो ये जो पोएम उन्होंने लिए हैं क्योंकि वो क्या थे, वो शेतकरी थे, इसके वजह से उनको शेतकरी यानी क्या हुआ, उनको फसल उगाना, और उनका मड़ा था, मतलब मड़ा मीन्स क्या होता है कि उनके खेत में 3-4 प्रकार के वो सब्जियां उगाते थे, मतलब यहाँ पे जैसे प्याज है तो यहाँ पे लहसुन, तो यहाँ पे मिर्ची, तो यहाँ पे धनिया, ऐसा उन्होंने अपने खेत में अलग अलग जगहों पे, मतलब 2 एकड़ की खेत है तो उसमें 4 पार्ट करते थे, वो 4 पार्ट में आधा आधा एकड़ में डिवाइड करते थे, आधा आधा एकड़ में वो अलग अलग सब्जियां लगाते थे। ओके, सो लिसन, अभी तक आपने देखे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि रिवाइज करेंगे कि हमने इसके 2 वीडियो पहले हमने क्या क्या पढ़े हो। ओके, पहले हमने क्या पढ़े कि पहले उन्होंने बोला कि प्याज और क्या मूली और सब्जी में उनको क्या दिख रहा था कि पूरी मिठाई दिख रही थी। मिठाई मीन्स ये जो पूरा प्याज और सब्जी ये जो लगी हुई है मेरे खेती में, इसमें सब तरफ क्या है, विठोबा ही विठोबा उनको नजर आ रहे थे।
ओके। उसके बाद उन्होंने लहसुन और मिर्ची और कोथिंबीर में क्या देखा उन्होंने, उनकी हरि देखा। हरि मीन्स कृष्ण, अब हरि के बहुत सारे नाम है। कृष्ण के देखो आप बहुत सारे, उसको कोई घनश्याम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई सावला बोलते हैं, है ना। हर मतलब हर अपने भगवान का अलग अलग नामों से उनको ये करते हैं। तो उन्होंने जो लहसुन और मिर्ची, जब उनके खेत में लहसुन मिर्ची और कोथिंबीर यानी धनिया थी, लहसुन मिर्ची और कोथिंबीर में उन्होंने क्या दिखा उनको, हरि दिखा, यानी हरि यानी कृष्ण दिखा, ओके। विष्णु दिखा, विष्णु को भी हरि बोलते हैं, ओके। तो ये विष्णु दिखा उनको। उसके बाद उन्होंने बोला कि गन्ना, ऊस, गाजर और रताड़ू, उस गाजर रताड़ू अवगा झाला से गोपाळू, यानी उनको क्या दिखा कि उस यानी गन्ने में और गाजर में और शकरकंद में क्या दिखा उनको कि कृष्ण दिखा, गोपाळू। मतलब ये सभी, ये जो खेती है, ये जो मेरी इसमें जो सब्जियां लगाई हूँ मैंने, इसमें सब कण कण में बसा हुआ है, विट्ठल बसा हुआ, हरि बसा हुआ इसमें। वो जब भी मतलब क्या होता है, शेतकरी होने की वजह से उनको डेली का काम करना पड़ता था, और काम करते करते वो अपने भगवान का नाम स्मरण भी करते थे। तो उनको जो उनके घर उनके जो खेत में जो सब्जियां थे उनमें उनको क्या दिखता था, अभी जैसे उनको उन्होंने उस गाजर और रताड़ू में उनको क्या दिखा, गोपाड़ू दिखा, इट मीन्स कृष्ण दिखा। यानी वो भगवान की वैसे श्रद्धा रही, अगर अपनी श्रद्धा ज्यादा रही, यानी अपनी श्रद्धा, अपन उस श्रद्धा से अगर भगवान पूछा, तब हमको कहीं भी भगवान नजर आते हैं। क्या बोलते हैं ना, पत्थरों में भगवान दिखते हैं, ऐसा वाला किस्सा है। तो वही वो सावता सॉरी जो सावता माड़ी है, उनको खेती का काम करते करते वो भगवान का नाम स्मरण करते थे, और नाम स्मरण करते करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने सब्जियां थे उसमें सब में क्या दिखते थे, कभी उनको कृष्ण दिखता था, कभी उनको विष्णु दिखता था, कभी उनको विठोबा दिखते थे। मतलब जितनी सब्जियां हैं उन्होंने अलग अलग सब्जियों में उनको क्या क्या दिखा, ये उस पोएम में बताया है। अब लास्ट में है, मोट नाड़ा वीर दोरी अवैगी झाली सी पंडरी। यानी अभी आपको इसके पहले भी मैंने समझाई थी कि मोट किसको बोलते हैं, कि जो चमड़े का जो ये रहता है, चमड़े का जो ऐसे बकेट सामान बनाते हैं, उसको ऊपर दोरी लगाते हैं और कुएं में डालते हैं। पहले कोई पंप वंप की फैसिलिटीज नहीं थी, सुविधा नहीं थी, तो लोग क्या करते थे पहले कि एक तो बैल को जुतते थे उसमें, और फिर कुएं में वो डालते थे वो बकेट सामान। अपन बकेट डालो कुएं में तो पानी आता है ना, ऊपर खींचो, तो वैसा ही वो चमड़ी का बनाते थे, चारों तरफ ऐसा थैले सामान वो फिर कुएं में डालते थे। और कुएं में डालने के बाद उसको बैल या लोग, मतलब बैल सब अधिकतर तो बैल ही खींचते थे, बैल या रेडा लगाते थे। रेडा मीन्स पता है क्या आपको, जो भैंस रहती है ना, भैंस उसकी जेंट्स को बोलते हैं रेडा। बैल या रेडा के हाथ से, मतलब रेडा से ही वो क्या करते, उसको उसको खींचते थे, अरे उसको उधर 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 हकलते थे, फिर उसको पानी निकालता था, और एक ऐसी नाली के समान बनाता था, वैसे वो पानी फिर जहाँ भी तुमने फसल लगाई वहाँ वो पानी, उसको बोलते हैं मोट, यानी मोटा मतलब पानी है ना, उसको बोलते हैं मोट, ओके। मतलब गतड़ी के बकेट को, यानी चमड़ी के बकेट को बोलते हैं मोट। इतना मोटा ध्यान में रखो आप लोग, कि उनको क्या दिखा कि वो जो मोट से पानी देते थे, जो फसल थी उनकी, मतलब जहाँ उन्होंने सब्जी उगाए थे, उनको वहाँ पे क्या दिखा कि यहाँ पे पूरा क्या है, ये पूरा मेरा जो जितना भी सब्जियों का खेत है वहाँ पे पूरा भर गई, कहा मेरी पंडरी यहीं पे है, मेरा विठोबा यहीं पे है, मुझे वट्टरपुर जाने की जरूरत नहीं, ये जो मेरा खेत है यही मेरा पंडरपुर है, यही मेरा पंडरपुर। सभी तरफ उनको विठोबा ही विठोबा, विठोबा ही विठोबा, उनको पंडरी का भास हो रहा था काय में। तो उनके जो वो जो खेत में पानी देते थे मोट के द्वारा, जो खेत में पानी देते थे उसको ऐसा उनको ऐसा लगता था सावता माड़ी को, कि ये जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें ही मेरा क्या है, यहाँ पे मेरी पंडरी बसी हुई है, और यही मेरी पंडरपुर, और यही मेरा विठोबा है, और यही मेरी मतलब वो लगन से काम करते थे, और लगन से काम करते करते वो लगन से भगवान का नाम भी लेते थे, और भगवान का नाम लेते 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 उनको ऐसा प्रतीत होता था कि जो भी उन्होंने अभी तक जैसे सब सब सब्जियों में उनको अलग अलग भगवान दिखने लगे। आए यहाँ तक हमने पढ़े थे, ये हुआ आपके
मतलब रिवाइज किया मैंने, अब आगे के हम अभी देखेंगे। ओके सो ओके नाउ लिसन, अब हम देखेंगे पोएम। ये दो ही लाइन बची थी हमारी पोएम की, तो इसीलिए हमने रिवाइज किया। ओके सावता मणे केला मळा, विठ्ठल पाया गोविला गळा। मळा मीन्स पता है आपको, मैंने इसके पहले भी आपको ओरली बताई हूँ, पर अभी बता देती हूँ कि मळा मीन्स होता है कि अनेक प्रकारच्या भाज्यांना म्हणतात, अनेक प्रकारच्या भाज्या लावलेले त्याला म्हणतात मळा। भाज्या एकाच येतात, त्याला म्हणतात मळा। ओके मळा विठ्ठल पायी, पायी मीन्स पाय चरण। गोविला गळा म्हणजे गोविला, म्हणजे गोविला मीन्स रखा ठेवला। ओके पाई गळा मीन्स अपना जो अपन नतमस्तक होते हैं ना उसको बोलते हैं। ओके सो लिसन, ये जो आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे आप लिख लीजिएगा। ओके सो ले एट क्लास वाले अपने बुक्स में, बुक के जो आपने पुराने भी बुक्स लिए होंगे तो भी नोटबुक में क्वेश्चन एंड आंसर रीड करो। ओके सॉरी राइटिंग करो, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो। ओके एक बुक आप स्पेशली मराठी के लिए रखो, क्योंकि मैं ग्रामर भी पढ़ाऊंगी आगे। सॉल्यूशन, सावता मणे केला मळा, विठ्ठल पायी गोविला गळा। अने सावता मणे, सावता मणे की सावता माळी बोले किसको, मने मैंने जो खेत, मतलब मैंने जो मळा मीन्स क्या हुआ कि मेरे जो खेत है उसमें जो अलग अलग प्रकार की सब्जियां लगाया मैंने, जैसे उसने प्याज लगाया, मूली लगाया, सब्जी लगाया, धनिया लगाया, शकरकंद लगाए, गन्ना लगाए, ये सब अलग अलग प्रकार की जो सब्जियां लगाया, बल अलग अलग प्रकार की जो मैं फसल ले रहा हूँ। उत्सावता मणे केला गळा मळा, विठ्ठल पायी गोविला गळा। ये सब यानी मेरे खेत के जितने भी फसल है वो सब तुम्हारे चरण में मैं अर्पित करता हूँ, यानी उस सब चरण तुम्हारे चरण में व्यतीत देता हूँ। यानी संत सावता मणि बोल रहे विठ्ठल भगवान को कि हे भगवंता, हे विठ्ठला, मैंने जितने भी फसल लगाई हूँ इसमें सब में आप क्या देख रहे हो, मुझे सब में आप दिख रहे हो मुझे। यानी कहीं पे मुझे विठ्ठल दिख रहा है, कहीं पे मुझे हरि दिख रहा है, कहीं पे मुझे गोपाल दिख रहा है, तो ये सभी आपके चरणों में, मतलब ये आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। जिन्हें विठ्ठला पाई गोविला गळा, मतलब हे भगवंता, ये जो मळा है ये आप ही का ही है, आप ही मुझे दे रहे हो और आप ही सब तरफ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ काम, मेरे काम आप मुझे, मेरा आप यानी आप मुझसे काम करवा रहे हो, ऐसा वो भगवंता को बोलते हैं। को सावता मणि बोलते हैं कि हे भगवंता, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने खेत में जो काम कर रहा है और जिसमें आप मुझे दिख रहे हो, आपका मैं सतत नाम स्मरण कर रहा हूँ और ये पूरा मड़ा आपके चरण में मैं अर्पित करता हूँ। कि सावता मणि केला मड़ा, विठ्ठल पाई गोविला गळा। अरे मेरे खेत में, मड़े में, मेरे खेत में जितनी कोई फसल है, जितनी कोई सब्जियां है, ये सब आप ही की है और आप ही यहाँ पे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरे खेत में क्या दिख रहे हो, आप ही आप दिख रहे हो। इन्होंने पहले ही इसने बोला कि अवघी मिठाई माझी, अरे ये पूरा खेत आप ही का है, आप ही यहाँ पे बसे हुए हो, आप ही यहाँ पे बसे हुए हो, ऐसा वो भगवंत सॉरी ऐसा सावता मणि भगवंत को बोलते हैं कि हे भगवंता, ये सब तेरे चरणों में अर्पण करता हूँ, ये सब तू ही है, यहाँ पे सब तू ही, तेरा ही वास है और तू ही मुझे ये सब करने की प्रेरणा देता है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो नाम स्मरण ले रहा हूँ, मैं जो खेत में काम कर रहा हूँ, ये सब तेरी ही देन है, ऐसे वो भगवंत सॉरी ऐसे संत नामदेव महाराज भगवंत को बोलते हैं। आया समझ में दो लाइन? ओके नाउ लिसन वन टाइम मराठी में पा। संत नामदेव महाराज म्हणतात की
म्हणतात की हा जो माझा मळा आहे, हा जे माझ्या शेत आहे, हा ज्या माझ्या शेतामधले जेवढ्या काही भाज्या लावलेल्या आहे मी, जेवढ्या काही म्हणजे आता त्यांनी पुष्कळ प्रकारच्या भाज्या लावल्यात आहे ना, बघा गाजर लावलं, रताळू लावले, ऊस लावला, कोथिंबीर लावलं, नंतर लसूण लावला, मिरची लावली, कांदा लावला, मुळा लावला आणि हिरव्या भाज्या सुद्धा लावल्या. या सर्व भाज्या, या सर्व मळा माझा काय म्हणजे अनेक प्रकारच्या भाज्यांचा जो काही मी तिथे ज्याचे काही काम करतो हे तू माझ्याकडनं करवून घेतो आणि ह्या सर्व माळ्यात मला तूही तू दिसतो. म्हणजे जिकडे पाहावे तिकडे तुझेच नाव, तुझेच मला स्वरूप दिसते, या भाज्यांच्या मध्ये तू मला दिसतोय असं ते काय म्हणतात सावतामाळी विठ्ठलाला म्हणताय. हे सावतामाळी तू काय कर आता, म्हणजे हा ह्या जो मळा आहे, हा जो माझा शेत आहे, हे तुझ्या चरणावर मी अर्पण केलाय. तुझ्या चरणावर म्हणजे तुझ्या पायी मी हे नतमस्तक झालो, मी तुझ्या पायी हे तुला समर्पित करत आहे. आणि हे सावतामाळी अजून सावतामाळी म्हणतात की हा माझा सर्व मळा, हा सर्व मळा तुझ्यावर तुला मी अर्पण केलाय आणि तुझ्या या सर्व माळ्यामध्ये तूच दिसत आहे, तुझाच हा माळा आहे असं ते भगवंताला म्हणजेच विठ्ठलाला उद्देशून म्हणत आहे. एवढं लक्षात आलं. याचे जे क्वेश्चन आन्सर आहे, याचे जे शब्दार्थ मी लिहूनच देत आहे, प्रत्येक याच्यामध्ये लिहून दिले आहे मी. हे जे शब्दार्थ आणि काय म्हणतात त्याला क्वेश्चन अँड आन्सर हे तर मी लिहून देईन. ज्यांच्याकडे नवीन पुस्तक असतं त्यांनी आणि ज्यांनी जुने पुस्तक घेतलं आहे त्यांनी आपल्या नोटबुकमध्ये हे क्वेश्चन आन्सर उतरवायचे म्हणजेच लिहायचे. ओके, याच्यानंतर आम्ही ऑनलाईन चेकसुद्धा करू तुमचे. ओके, तरी हे जे क्वेश्चन आन्सर आहे हे आपण आपल्या बुक नोटबुकमध्ये लिहायचे. ओके, याचे क्वेश्चन आन्सर मी पुढल्या याच्या व्हिडिओमध्ये देईन. ओके, बाय बाय, हॅव अ नाईस डे.